हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू एक्सपीरियंस लाइव। और आज हमारे साथ इस सेशन में है हिमांशु भारद्वाज, जिन्होंने एसएससी सीएसएसएल 2018 के 18 में एक बहुत ही अच्छा स्कोर किया है और साथ ही साथ एक अपना जो रैंक है वो हासिल किया है जो कि 765 है। इसके साथ ही वो जो है वो एसएससी सीएचएसएल 2017 से पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर अभी वो वर्क कर रहे हैं और उसके साथ ही उन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स और भी क्लियर किए हैं जो कि सीएचएसएल 2016 में भी उसका अच्छा स्कोर था और 5 टाइम जो है सो सीडीएस का रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया। तो इसीलिए मैं ये वीडियो उनके साथ बना रहा हूँ ताकि आप जो व्यूअर्स हैं आपको एक मोटिवेशन मिल सके और आप जो है सो कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो चीज़ों को फॉलो किया था या क्या उनका पैटर्न था, किस तरीके से वो पढ़ते थे, उसको आप भी थोड़ा फॉलो कर सकें और जान सके कि जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, उसका स्ट्रेटजी क्या होता है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन हिमांशु, और हम आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। व्यूअर्स है उसको आप बताएं कि आपने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए थे या फिर अभी जो ट्रेंड चल रहा है बुक्स, क्योंकि 2017 से लेकर के अभी के बीच में काफी सारे बुक्स का चेंजिंग हो चुका है, तो हो सकता है आप वो भी बुक चेंज किए हो बीच में 2019 के पास, या अभी जो बुक्स ट्रेंड में जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सब आप थोड़ा बुक्स लिस्ट कर दें। स्टार्टिंग पे जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई 2017 में मैंने केडी कैंपस ज्वाइन किया, तो वहां पे जो हमारे मैथ्स के, अर्थमेटिक के और एडवांस मैथ्स के जो, तो अब अपना क्या है कि हर एक चैप्टर से कम 200-300 क्वेश्चन जब तक आप नहीं बना लेते हैं तब तक आपको कॉन्फिडेंस उस चैप्टर में नहीं आएगा, नहीं आता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन और कंटेंट के मामले में मैथ्स में सबसे अच्छी बुक जो है वो राकेश यादव जो ग्रंथ चलता है 73,000 प्लस, अभी जो कि नया और अपडेट आ चुका है काफी सारी कोशिश में ऐड किया, मैं भी उसको फॉलो किया है कि उसमें साल में या दो साल में अपडेट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मिला के, तो वो काफी अच्छी बुक है। क्योंकि मैंने भी जब फॉलो किया था तो वो काफ़ी अच्छा बुक है, उसको हम लोग क्या कहते थे पीछे से पढ़ते थे एकदम रिसेंट वाले, पहले उसके फिर पीछे प्रीवियस में जाते जाते, काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि उसको उठाते हैं शुरू से 1997 से स्टार्ट करते हैं और फिर करते हैं वो, मतलब शायद मुझे लगता है कि वो तरीका गलत है क्योंकि उससे क्या होता है हमारे जो रिसेंट जो TCS चला रहा है पैटर्न जो एग्जाम पेपर ले रहे हैं क्वेश्चन, वो हमारा कहीं ना कहीं छूट जाता है आते आते। तो क्या आप यही किए थे, पीछे से ही फॉलो किए थे या रिसेंट से स्टार्ट किए थे? देखिए आपका कहना अपनी जगह पे सही है, मैं इससे मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट का अपना एक अलग तरीका होता है, और अलग तरीका मेरा कहने का मतलब एक जो आपने बताया कि लेटेस्ट जो पैटर्न है उसको देखते हुए पीछे से बनाना, जो कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, 2-3 एग्जाम दे चुके हैं, कंटेंट नॉलेज है आपको, तो आपके लिए वो सही है नो डाउट कि आप लास्ट के 50-60 क्वेश्चन देखें उसमें लेटेस्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बिगनर हैं या फिर 1-2 एग्जाम ही दिए हैं और आपको कंटेंट की पूरी जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि बेटर प्रैक्टिस के लिए आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से ही शुरू को करना चाहिए। हाँ, जैसा कि मैंने भी किया था स्टार्टिंग में, ये बहुत होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है कि अपना सबके अलग अलग, लेकिन एक ये आप जो बोले बहुत अच्छा बात बोले कि जो बिगनर्स है, जो नॉइस है, उसके लिए शुरू से पढ़ना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग थोड़ा इसमें वेटरन तो नहीं बोल सकते हैं, बट हो चुका है कि 1-2 अटेम्प्ट लोग ले चुके हैं और बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि पीछे से रिसेंटली लिखना ज़्यादा ईजी होता है, और जैसे कि आपने बोला बिगनर्स के लिए कि शुरू से बनाओ वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। हाँ, ये बिगनर्स के लिए अच्छी बात है, सही बात है, इसमें मैं ना नहीं करूंगा, लेकिन देखिए एसएससी एग्जाम और कोई भी रेलवे का एग्जाम या बैंकिंग का एग्जाम टाइम बेस्ड भी होता है, ये बात तो सबको पता है, टाइम मैनेजमेंट तो आपका हाथ वहाँ कितनी जल्दी चल सके उस पर भी डिपेंड है। एग्जाम सीजीएल का देखें तो वाकई में इंग्लिश और मैथ की जान है उस एग्जाम की, और अगर सीएचएसएल और एमटीएस में भी देखें तो मैक्सिमम हम लोग मार्क्स इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग से उठा सकते हैं। मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं तो राकेश यादव ही लिया था, बाकी आप जिस बुक में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए इंग्लिश प्रैक्टिस कर देखें, तो इंग्लिश की नॉलेज जो है वो तो आपको कोई ग्रामर पढ़ाएगा तो ही होगी, और जहां तक बात रही वोकैबुलरी की तो वो आपकी खुद की कैपेसिटी पे, थोड़ा रट्टा भी काम आता है वोकैबुलरी में। देखिए
शिरकता से आप बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाएंगे जितना प्रैक्टिस से करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस तो बेटर है बट कहीं कहीं यूज करना पड़ता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक रामबाण जो किताब आती है अजय कुमार सिंह सर की MB पब्लिकेशन, हाँ, जो कि मुझे लगता है कि लगभग जितने भी एस्पिरेंट है सबके पास है, सबके पास होगा भी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं और काफी सारे स्टूडेंट इसको बस रखते हैं लेकर के कि हाँ मेरे पास MBA पब्लिकेशन है, जो कि तो वो जो MBA पब्लिकेशन बुक है उसमें आपको वोकैबुलरी से भी रिलेटेड अच्छा खासा आइटम मिल जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियल फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ग्रुपिंग वर्ड्स, जितने भी तरह के वोकैबुलरी हो सकते हैं उसमें मेन मेन। अभी जो ब्लू कलर की लेटेस्ट पब्लिकेशन आई है MBA पब्लिकेशन, 300 या 400 में मिलती है, काफी मोटी किताब कर दी है, उसमें आपको स्टेनोग्राफर, GD कांस्टेबल, MTS, CHSL, CGL ये सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और जो भी वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, जो भी आइडियल फ्रेजेस दिए गए हैं, वो सारे आपको उसकी वोकैबुलरी में भी मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश के लिए अगर आप MBA पब्लिकेशन प्रेफर करें और सिर्फ प्रेफर ही नहीं उसको पढ़े भी, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश के लिए आप कोई बुक फॉलो किए थे? जैसे कि एक जो बुक है फ्लिप टू पैरामाउंट, जो कि जनरल इंग्लिश नाम से आता है, लिखी मैनू का, वो मतलब मोस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपीरियंस के पास या तो वो मिल जाता है या फिर ऐसे बक्से मिल जाता है, तो क्या आप इन दोनों बुक्स में से कोई बुक्स फॉलो किए थे? जॉइनिंग जब हुआ था KD कैंपस में जुलाई 2017 में, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट की हमें किताब दी गई थी KD कैंपस फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी, तो वो इंस्टीट्यूट में ही पहले मिलती थी, लेकिन अभी आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं, और उसमें भी वही सेम कंटेंट रहेगा, बस प्रैक्टिस मटेरियल चैप्टर वाइज अलग अलग दिया रहेगा। MBA पब्लिकेशन की खासियत ये है कि उसमें आपको एक सेट में पूरा सारे तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारी KD कैंपस की बुक थी उसमें चैप्टर वाइज, जैसे आइडियल फ्रेजेस का एक चैप्टर है अलग है, उसके सारे क्वेश्चन एक में, एंटोनिम्स सिनोनिम्स का अलग एक चैप्टर है, उसके सारे क्वेश्चन एक में, ग्रामर एरर फाइंडिंग से जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन एक में, तो ये फायदा है। और अभी वो बुक KD कैंपस बुक में, हाँ, वो बुक का इतना पॉपुलैरिटी है, उसका वॉल्यूम 2 का भी डिमांड और जो मतलब चल रहा है वो, मैंने भी उस बुक को पढ़ा है, फॉलो किया है, मतलब मोस्ट ऑफ लोग पढ़ते हैं, मतलब बुक का कंटेंट ही इतना अच्छा है कि वो चल रहा है, और आपको मतलब पता है, सबको ही जानते हैं कि नीतू उनका जो क्रेजीनेस है, ये जब KD में आया था यहाँ पे, जब KD कैंपस, तो एक मतलब जो माहौल कोई भी इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं था वो माहौल में लिया था हम लोग कि हाँ अब हम लोग एस्पिरेंट है, और कैंपस के आने की वजह से हमें यहाँ पे कंपटीशन का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, क्योंकि उससे पहले जितने भी इंस्टीट्यूट थे भारत में वैसा फैसिलिटी, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा था जहाँ पे 100 लड़के लड़कियाँ एक साथ बैठ के पढ़े और कंपटीशन का एनवायरनमेंट बने। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हो जा रहा था सब कुछ, आदमी तैयारी भी अच्छा से कर रहा था एस्पिरेंट, लेकिन एक जो माहौल था कॉम्पिटिशन का, जो कि अभी अभी सबके पास है लगभग लगभग, क्योंकि अब जो गांव में भी है उसके पास भी है, जो खुद से सृष्टि कर रहा है उसके पास भी, उसके कारण है टेस्ट अब सभी को देने लगे, तो एक माहौल क्रिएट हो चुका है कि हाँ इतना कंपटीशन जा रहा है, ऐसा कट ऑफ हो जा रहा है, ऐसा टफ जा रहा है क्वेश्चंस, तो एक माहौल अभी है। लेकिन अगर आज से 2-3 साल पहले चल जाए, जब जियो नहीं आया था, तो ये माहौल था ही नहीं, क्योंकि हर किसी को लग रहा था पता नहीं क्या कट ऑफ जाएगा, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, किसी को तो ये भी पता नहीं होता था कि मतलब क्या कैसे टेस्ट का फॉर्म होगा, जबकि अभी सबको ही पता होता है, हर एक कोई टेस्ट दे रहे थे। ये बात सही है, जीरो आने से पहले उतनी जानकारी सबके पास नहीं होता था, इंफॉर्मेशन का पहुंच कम था, जो नॉलेज था जो, लेकिन आज जियो एक जो पर्टिकुलर टीचर्स का नॉलेज था, जैसे कि दिल्ली बेस्ट में मुखर्जी नगर या फिर जो पटना का जो टीचर्स का था, वो उन्हीं के पास रह जाता था जो वहाँ पे जा पाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद, खास करके लॉकडाउन के बाद, जियो के बाद तो हुआ ही था, लेकिन खास करके लॉकडाउन के बाद क्या हुआ कि सारे टीचर्स ऑनलाइन आ गए, तो अभी सबको पता है कि कहाँ पे कौन से टीचर क्या मटेरियल दे रहे हैं, और हर कोई लगभग ऑनलाइन में अच्छे टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो सबको पता है कि कंटेंट जो है वो एक अच्छा कंटेंट सबको मिल रहा है, क्योंकि ये उस टाइम पे नहीं था, 2016-17 में अगर हम लोग देखें तो ये नहीं था, बहुत कम ही के पास होता था, वो भी नोट्स मंगवाते थे बहुत कम कोई, या बुक्स मंगवाते थे तब जा करके होता था, ये थोड़ा सा माहौल। हाँ,
पहले सिर्फ हम लोगों के पास स्टडी मटेरियल ज्यादातर होता था जो कि हम लोग दुकानों से खरीदते थे, लेकिन अभी हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा होने के बाद, और मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस होने से जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टडी रिलेटेड पूरे इंडिया में फैली है, और उसका ही यही कारण है कि आपको आगे चल के कट ऑफ हाई होती दिख रही है। अगर आप 2019 का कट ऑफ देखें CHSL का, तो टाइपिंग के लिए कट ऑफ 222 नंबर के है, तो आप समझ सकते हैं कि अब 300 से 222 के बीच में जो लड़के नंबर लाए हैं जनरल में, उन्हीं को सिर्फ टाइपिंग देने को मिलेगा। और हमारा जो 2018 का टाइपिंग कटअप किया था वो 190 था जनरल के लिए, तो एक साल में 32 नंबर का कटअप बढ़ जाना इस बात का प्रूफ है कि टेक्नोलॉजी का यूज करने से इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच रही है, सब लड़के पढ़ रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन और इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, और आप इसे इंग्लिश में और भी कोई बुक फॉलो किए थे या बस इसे काफी लोग क्या करते हैं ना, वोकैबुलरी के लिए अलग पढ़ रहे होते हैं, ग्रामर के लिए अलग पढ़ रहे होते हैं, काफी लोग कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ रहे होते हैं, और काफी लोग क्या करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़ पेपर इनफ, लेकिन जैसे कॉम्प्रिहेंशन आपको ही पता है कि जो अगर आपका वोकैबुलरी अच्छा है और आप हल्का सा भी इंग्लिश पे ध्यान देते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है, जहाँ की मुश्किल होना चाहिए वोकैबुलरी पे। कॉम्प्रिहेंशन अगर देखा जाए तो वो एक तरह से प्रैक्टिस की चीज है, 70% आपके पास कॉम्प्रिहेंशन में पकड़ तभी आएगी जब आप कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे, और इसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो। मैंने MBA पब्लिकेशन का सॉल्व किया था जितना ज्यादा सेट हो सके, और KD कैंपस का बुक भी जहां तक हो सके मैंने सॉल्व किया था। बाकी आप कोई भी बुक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें है वो कोई भी बुक ले सकता है। अच्छा, और बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर आप देखें तो कोई भी अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट की बुक लें या फिर किरण पब्लिकेशन का ही प्रीवियस ईयर सेट लें रीजनिंग के लिए, तो वो सफिशियंट है। एक बार नॉलेज होने के बाद रीजनिंग के लिए वो बुक काफी है। काफी कोई मतलब ऐसा करते हैं रीजनिंग के लिए स्पेशल बुक भी पढ़ते हैं, और मतलब मोस्ट ऑफ मोस्ट का मानना है कि रीडिंग जो है वो प्रीवियस ईयर देने से ही जहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है वो देख लो, क्योंकि आप कितना भी रीडिंग पढ़ेंगे आपका अगर वहाँ पे माइंड नहीं चल रहा है तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो पूरा आपका मेंटली आपका वर्क करता है। और काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि नहीं थोड़ा पढ़ लोगे तो शायद वहाँ पे जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है रिलीजन या फिर काउंटिंग फिगर में हो जाता है कि अलग अलग तीन चार अगर मिला के दे दिए तो थोड़ा दिक्कत होता है, फाइन जो डिजिट होता है उस समय दिक्कत होता है कहीं कहीं, लेकिन बाकी मोस्टली इजी ही होता है कि फॉलो करना है पैटर्न आपको वही देख के आपको बनाना है। तो मतलब बहुत इसके लिए स्पेशल पढ़ते हैं कि मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है मेरा ही मानना है। बट आप क्या चूज किए थे, आप प्रीवियस ईयर दिए थे या पढ़े थे पूरा? देखिए पहले तो बहुत जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट है चारों में से कोई भी सब्जेक्ट उसका बेसिक्स जान लिया जाए, उसका जो आधार है किस क्या पूछता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपको तो कोचिंग चाहिए ही या फिर किसी ऐसे एक्सपीरियंस आदमी से ट्यूशन चाहिए कि आपको बता सके कि चारों सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल पे सॉल्व करना है, कितने जल्दी सॉल्व करना है। और हमें डरने वाली बात नहीं है, एग्जाम आप फेस करेंगे तो आपको नर्वसनेस होगी, लेकिन जैसे जैसे आप एक एग्जाम दो एग्जाम तीन एग्जाम चार एग्जाम करते जाएंगे तो आपकी नर्वसनेस कम होगी। जाहिर सी बात है जिस चीज में आपको एक्सपीरियंस होता है उसको करने में दिक्कत नहीं होती है। तो स्टार्टिंग में जो बिगनर है उनको तो कहीं ना कहीं तो कोचिंग लेनी ही होगी, या फिर खुद से अगर मेहनत करेंगे तो बेसिक्स जो कि RS अग्रवाल बुक में या फिर अपना इंग्लिश का जो बेसिक बुक है MBA पब्लिकेशन का स्टार्टिंग में जो ग्रामर दिया हुआ है वो सारा करना है, और रीजनिंग का भी बेसिक जो सॉल्यूशन बुक होता है वो यूज करना है। और बाकी अगर जब आपकी 6 महीने में साल भर में जिस भी समय में आप कोचिंग जितने भी समय में लेते हैं उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लास्टली आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, और अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप वैसे ही पीछे हो जाएंगे। अच्छा, आपने जीके के लिए मतलब हर एक खुद वो SSC स्टूडेंट हो बैंक स्टूडेंट हो यहाँ तक कि UPSC और स्टेट PCS का तो होता ही है,
वो एक ही बुक मतलब एक बुक जो है कि कॉमन है, हर किसी के पास मिल ही जाएगा, वो है लीजें। या फिर उसकी जगह पर अगर कोई रखता है मतलब एक ऑप्शन में, तो वो रख सकता है आपका ये अरिहंत का। लेकिन क्या आप वही बुक फॉलो किए थे लुसेंट, या कहीं लेक्चर्स लिए थे, या खुद ही मतलब कोई की टेंथ तक बुक पढ़े थे उसी में से? अरे जीके में मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद उतना अच्छा नहीं हूँ, और काफी दुख भी है इस बात का क्योंकि बहुत मेहनत लगा। 2017 में जीके पोर्शन में मेरे 27 नंबर आए थे, और 2018 में मेरे 25.5 नंबर आए थे। तो लेकिन फिर भी अगर जीके के लिए अगर कुछ बताना ठीक समझे तो लुसेंट तो खैर सबके मुंह पे है ही, जीके अगर पढ़ने के तो लुसेंट ले लो चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि लुसेंट पढ़ के एस्पिरेंट्स बोर हो गए हैं, उनको नया मटेरियल कुछ चाहिए, अरिहंत का या फिर किसी और चीज का। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव अगर किसी को पढ़ना है जीके जो कि एक ही बुक में आ जाए, तो दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अगर आप सर्च करें नेट पे या फिर दृष्टि की वेबसाइट पे तो वहां मिल जाएगा, जिसमें लाइन बाय लाइन आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे जीके के पोर्शन मेजर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा नॉलेज कंटेंट है वहां पे। और बाकी वन लाइनर्स काफी आते हैं प्रतियोगिता दर्पण के, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अगेन ये सारे जीके के सब्जेक्ट के वन लाइनर है जो कि काफी फैक्चुअल जानकारी है जिसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, कहीं टाइम मिला थोड़ा सा कहीं जा भी रहे ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़ा खोल के देख लिए। ऑनलाइनर का ये फायदा होता है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि माइंड उस पर रख के पढ़ना होता है, क्योंकि एक अगला स्टोरी से जुड़ा हुआ रहता है पीछे वाला स्टोरी से भी। जैसे कि आपने बुक्स में बोला बताया कि काफ़ी मतलब मोस्ट फेमस बुक ही है, जैसे भी हर एक स्टूडेंट फॉलो करते हैं, कोई ऐसा डिफरेंट बुक था नहीं। और अगर हम पूछना चाहें कि उस टाइम टेस्ट सीरीज का उतना क्रेज था नहीं, क्योंकि हर एक कोई के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, और फिर था भी तो उतना फास्ट एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, और काफ़ी जो है सब टेस्ट सीरीज जो भी है वो भी उतना एक्टिव नहीं था उस टाइम। और अभी जो देखा जाए तो हर एक स्टूडेंट के पास टेस्ट सीरीज है, तो आप उस टाइम टेस्ट सीरीज दिए थे या ऑफलाइन ही पेपर प्रिंट आउट करवा करके आपने जो है अपना अपने आप को रिमार्क किया था? देखिए पहले 16 से पहले जो भी एग्जाम होते थे एसएससी के वो पेन पेपर मोड में होते थे, तो उस टाइम में ज्यादा चलन उसी का था, और सब ओएमआर शीट हम लोग स्टडी मटेरियल के तौर पे दुकान से लेते थे, और टेस्ट सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता था वो सारा लेते थे मेरे जो सीनियर थे। लेकिन 2016 और 17 से पेन पेपर मोड से हट के सीबीई मोड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड में आ गया, और उसके बाद से जब से डिजिटल क्रांति इसको बोलेंगे जियो की वो आई है, तब से स्टडी मटेरियल भी ऑनलाइन उपलब्ध हो गया। तो मुझे लगता है कि आप और इसका एक नुकसान भी हुआ कि एसपीएन पढ़े या ना पढ़े पीडीएफ हर चैप्टर का उसको मोबाइल में होगा, भले वो उसको कभी खोले या ना खोले। स्टडी मटेरियल पाना और उसको स्टोर करके रखना बहुत आसान हो गया है, लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा उसको पढ़ना है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें उसको पढ़ना है, फिर जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं रखता ही नहीं हूँ स्टडी मटेरियल, जो भी हुआ बुक से फॉलो कर लिया, फिर उसको अगर पीडीएफ है भी तो उसे जो भी नोट्स है बना लिए ताकि कभी फ्यूचर में देखना हो तो देख ही ले, पर फोन में ऐसा होता नहीं कि पढ़ लेने। इसकी एक वजह ये भी है कि मोबाइल में सिर्फ पीडीएफ स्टोर करना या ऑनलाइन क्लासेस के अलावा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं भी किताब ही प्रेफर करता हूँ। बुक्स और कॉपीज नोट्स में जो मजा है वो सही है और फिर जाकर कहीं ना कहीं सेट बनाते थे। और अभी तो मतलब पूरा चेंज हो गया, ऑनलाइन आ गया, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपको 2 मार्क्स से मार्क्स कितना बढ़ सकता है और कितना घट सकता है। कि कभी भी मेरा ऐसा भी होता है कि मैं 2-3 मार्क्स अगर पीछे रहता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं मैं बहुत पीछे चल जाऊँगा, जबकि अभी तो फाइनल रिजल्ट किसी का आया नहीं है, और ये भी लगता है कि हो सकता है मैं कट ऑफ क्रॉस कर जाऊँ। देखिए नॉर्मलाइजेशन 2018 CHSL, CGL और MTS के बाद से स्टार्ट हो गया, PCS के पास जब से टेंडर गया है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का, उसके बाद से
चूंकि ये वाला जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है ये बैंक्स में 2-3 साल पहले से स्टार्ट हो गया था, तो क्योंकि काफी सारे बैचेस में एग्जाम होता है, काफी सारे शिफ्ट्स में, तो ये एसएससी का और टीसीएस का आपस का अंदरूनी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन का देखा जाए तो इससे काफी स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम है लेकिन एक्यूरेसी अच्छी है तो उनके मार्क्स इंक्रीज भी हुए हैं। और पिछले अभी सीजीएल 2019 का जो मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद ये भी देखने में आया है कि काफी ज्यादा मार्क्स लो भी चले गए, -300 के लगभग मार्क्स चले गए। तो ये वाली चीज अगर टीसीएस और एसएससी मिलकर एक्सप्लेन कर दे और हमें समझ में आए तो हम जरूर उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी तक सीजीएल का जो 19 का मेंस रिजल्ट है वो आउट ऑफ द सिलेबस लग रहा है। हम लोगों को अच्छा भी लगता है क्योंकि इसे हम कभी कभी एग्जाम का शिफ्ट देके आते हैं तो इजी पड़ जाता है, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं इजी आ जाता है, लेकिन काफी शिफ्ट ऐसा होता है कि काफी डिफिकल्ट होता है। ऐसा भी फेस किया, जैसे अभी मैं एमटीएस का देखा है, वो मेरा शिफ्ट जो था इतना हार्ड, मतलब मुझे लगा पर्सनली बहुत हार्ड है, लेकिन जब हम बाहर आए तो देखे बहुत कोई था जिसे जब हम लोग शिफ्ट किए तो पता चला कि शिफ्ट वाकई बहुत हार्ड था और एक्चुअली में भी हार्ड था कि इतने मीम्स बन रहे थे उस दिन शिफ्ट का कि हम लोगों को लगा कि वाकई में हार्ड था। अब हो सकता है कोई शिफ्ट इजी पड़ जाए तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन एक इक्वलिटी भी ला देता है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें वो लोग चले जाते हैं जिसका अच्छा मार्क्स आया और शिफ्ट इजी आ गया, उसमें उसका क्या गलती है कि उसका शिफ्ट इजी आ गया। इसको भी अगर देखा जाए तो एक तरह से स्टूडेंट या एस्पिरेंट के जीवन का ये एक स्ट्रगल ही है, लेकिन लास्टली यही है कि हिम्मत नहीं हारना है। अगर इस बार नहीं हुआ तो आपके पास अटेम्प्ट्स जब तक हैं तब तक आप पूरी मेहनत से प्रयास करें। और जैसा कि मैंने भी किया था 2016 में मेरा नहीं हुआ था, 2017 में एग्जैक्ट कटअप था और 2018 में मेरे 226.5 मार्क्स थे, जिसके वजह से मेरा जो रैंक है वो 3380 से अब 765 हो गया, 765। तो मुझे लगता है कि खुद में इम्प्रूवमेंट देखना ही किसी भी एस्पिरेंट का गोल होना चाहिए, अल्टीमेट गोल, ताकि हम इस एग्जाम में जैसा परफॉर्म किए हैं आगे वाले एग्जाम में इससे अच्छा परफॉर्म करें। जैसा कि आपने पूरा अपने अपना जर्नी बताया कैसा आपने किया, और आपसे 2-3 बातें मतलब पूछना है, आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला भी है। तो पहला एक था कि आपका जो स्कूलिंग था उसका आप मीडियम बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि हिंदी मीडियम था तो मेरा शायद इंग्लिश में मार्क्स नहीं आएगा इसके लिए, या फिर मेरा इंग्लिश था तो शायद मैथ में नहीं आएगा। काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूज होता है कन्फ्यूजन, जैसे हम लोग भी हिंदी मीडियम थे तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम लोग मतलब इंग्लिश कमज़ोर होगा, जबकि हम लोग इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग है, तो काफ़ी लोग का ये भी होता है कि मैथ कमज़ोर होगा, हो सकता है। तो आप अपना मीडियम बता दिए, थोड़ा स्कूलिंग के बारे में बता दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि टीयर वन में चारों सेक्शन में से जो जीके सेक्शन है वो कभी किसी का मजबूत पक्ष नहीं हो सकता है, उसके बदौलत आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जीके में ना सिर्फ स्टैटिक बल्कि करंट अफेयर दोनों पूछा जाता है। करंट अफेयर 25 में से अब तो जब से एलिगेशन हो गया तब से तो मतलब अच्छा अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ा हुआ है वो पिछले में भी वो एलिगेशन के थ्रू गलत होकर आया था। तो कुल मिला के बात यह है कि बाकी बचे आपके पास 3 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, और मुझे लगता है कि आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोचिंग 6-7 महीने करने के बाद 6 महीने और अगर प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट ईयर एग्जाम दें, मीन्स 1 साल की पूरी मेहनत अगर आप करें तो रीजनिंग में और मैथ्स में आपके 50 out of 50 आ सकते हैं, CHSL में भी, CGL में भी और MTS में भी। बस जरूरत यह है कि आपको कंटिन्यूअस रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। जहां तक बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अगर आप कोई वोकैब गलत कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं तो उसके मार्क्स अगर हटा दिए जाए तो 40+ इंग्लिश में भी आपका आराम से आ सकता है। और अगर आप 20-25 नंबर भी जीके में लाए तो आप कैलकुलेट करके देख लें कि अगर मैथ्स रीजनिंग में 45-45 लाते हैं तो 90 मार्क्स 90 मार्क्स यहीं हो गया, इंग्लिश में 40 लाते हैं तो 130 यहाँ हो गया, प्लस 25 नंबर ही आप डीएस में लाते हैं, ज्यादा नहीं, आप 12-13 क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए लेकिन एक्यूरेट मारिए जो आपको आता है, तो आपके 25-26 नंबर इधर हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि 155+ मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं रॉ मार्क्स, तो नॉर्मलाइजेशन करके 1-2 नंबर 4 नंबर ही बढ़ता 160, तो
तो काफी अच्छा स्कोर माना जाता है, 80% काफी अच्छा स्कोर होता है। और काफी मतलब एक जैसे आप बोले कि जो एक्यूरेसी है वो इम्पोर्टेंट है, हम लोग को भी एक टीचर थे वो बोलते थे कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, आप 60 ही अटेम्प्ट करिए बट आपका एक्यूरेसी 90-95 कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आपको जाकर के आगे होगा। देखिए एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो उसके दो फायदे हैं, जितने आपके मार्क्स ओरिजिनल में बन रहे हैं उतने ही रहेंगे और नेगेटिव मार्क्स कम जाएंगे। वही सर बोलते थे कि आपसे काफी लोग ये करते ना कि पूछो उसको कितने अटेम्प्ट किए थे तो 90 मार्क्स कितने आए, 40-60 मार्क्स, तो ये बहुत मतलब गलत हो जाता है, एक्यूरेसी आपका 50% से भी लो है कोई फायदा नहीं वहाँ पे आपकी कितना अटेम्प्ट किए। सही बात है, सही बात। और अगर हम टीयर टू की देखें तो टीयर टू में हिंदी और इंग्लिश को किसी भी लैंग्वेज में आप निबंध ऐसे और लेटर पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। निबंध आपके किसी भी जनरल टॉपिक पे आएगा, और मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव में आपकी राइटिंग स्किल ज्यादा देखी जाती है, नॉलेज कंटेंट आप ऑलरेडी चेक किए जा चुके हैं टीयर वन में, इसलिए राइटिंग स्किल देखी जाती है। आप 250 वर्ड्स के अंदर एक ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, आप 150 वर्ड्स के अंदर एक लेटर लिख सकते हैं या नहीं, ये चेक किया जाता है, और राइटिंग ठीक ठाक रखें तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। और अगर आपके पास कंटेंट की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस करने पे उसे और अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि SSC डिस्क्रिप्टिव के लिए एक बुक किरण की डिस्क्रिप्टिव बुक आती है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और YouTube पे पिनाकल कोचिंग या फिर एक और कोचिंग है जो कि YouTube पे काफी सारे एग्जांपल्स काफी सारे टॉपिक में दिए जाते हैं CGL और CHSL को ध्यान में रखते हुए, तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से विदिन वर्ड लिमिट्स आप ऐसे लिख सकें। तो कुल मिला के आपने ये बोला कि जो हमारा एग्जाम है उसमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज है, क्योंकि अगर हम SSC की बात करते हैं तो MTA, CHSL और CGL तीनों को लेकर चलते हैं, तो CGL और अगर CGL की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है किसी का है तो वो इंग्लिश का है, फिर क्वांट का है, मैथ का, और उसके बाद रीजनिंग और GS का इक्वल है। और अगर हम नीचे आ जाएं तो सबका लगभग इक्वल ही होता है जाकर के, कि आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और जैसा कि आप ये भी बताएं कि जो रीजनिंग है उसमें एटलीस्ट 45+ मार्क्स उठाना चाहिए, और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लिश और मैथ में हम मार्क्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि GS का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है हमको 50 मार्क्स भी आ जाए, क्योंकि हम जो पढ़े हैं वहीं से अगर GK आ जाए तो हो सकता है कि हम एक भी ना रख पाएं, क्योंकि अगर मेरा वो क्वेश्चन आए नहीं जो हम पढ़े हैं तो कहाँ से कर सकते हैं वो क्वेश्चन। तो बैकग्राउंड पे तो डिपेंड करता ही है कि किस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी पढ़ाई लिखाई DNSDA रिपब्लिक स्कूल गिरिडीह सिरसिया में है, वहां पे हुई, और उसके बाद तो गिरिडीह कॉलेज जहां पे आप भी जान ही रहे हैं। हाँ, मेरे भी तो इसमें साथ में ही हमारा ग्रेजुएशन हुआ। हांसु जी, आपसे एक सवाल और पूछना था, जैसे आपका 2017 में हो गया था तो क्योंकि आपने 2018 भी दिया, सभी को रैंक पुशअप करने के लिए देते हैं, किसी किसी का अपना एक मकसद होता है, बहुत कोई बोलता है कि जब हो गया तो क्यों वही जॉब दिया, जबकि ये गलत बात है, देना चाहिए अपना रैंक पुशअप करना चाहिए सबको। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आपने दिया था 2017 के बाद 18, ये मतलब इसलिए दिया था कि रैंक अच्छा आ जाए मेरा, या फिर ये चलो कहीं अच्छा पोस्ट मिले, अच्छा कोई ड्रीम पोस्ट मिले मुझे इसके लिए? 17 का एग्जाम जो 2018 मार्च में हुआ था, और मुझे जहां तक याद है 2018 का एग्जाम 2019 के फरवरी या मार्च में या जनवरी में ऐसे ही हुआ था, तो मैं आपको और चैनल देखने वाले सभी को बता देना चाहता हूं कि जब 2018 का CHSL एग्जाम हो रहा था तब मेरा फाइनल रिजल्ट 17 का नहीं आया था। और जो हमारा अगला साल का फर्स्ट ईयर चल रहा है उसके बीच में गैप है क्या नहीं। और आप इससे क्लियर समझ सकते हैं कि मेरा टीयर वन का मार्क्स 2017 में टीयर वन का कटअप से मात्र 3.5 नंबर ज्यादा था। अगर अभी के रिस्पेक्ट में आप सोचे टीयर वन से आपका मात्र 3.5 नंबर ज्यादा मार्क्स है, तो आप सोच ही नहीं सकते कि मेरा फाइनल तक होगा।
स्पीड तो लगभग कुछ इसी प्रकार का कंडीशन, इसी प्रकार का नर्वसनेस मेरा भी दिमाग में उस टाइम में था कि 17 में होगा या नहीं होगा, कंफर्मेशन तो कहीं नहीं था। इसीलिए मैं सोचा कि 2018 में और अच्छे से मेहनत करके प्रैक्टिस करके एग्जाम दिया जाए ताकि अगली बार फिक्स मतलब सुनिश्चित किया जाए एक पोस्ट तो कम से कम, एक पोस्ट कम से कम। लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं अपने आप को लकी मानूंगा कि 212 नंबर एग्जिट कटअप गया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ 2017 में। और इस बार 2018 में टोटल मेरे मार्क्स 226.5 थे, 226.5, और फाइनल कटअप फिर से 212 ही गया है। अगेन वहीं पे आकर के जो एक मन में होता है ना कि थोड़ा कम जाए तो अच्छा रैंक भी आता है और अच्छा रैंक आता है, लेकिन एक वहीं पे जाके रुक जाना एक मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है कि थोड़ा और आगे भी सब होता है। सेटिस्फेक्शन की तो बात ये है, और थोड़ा सा आगे की प्लानिंग भी थी कि अपने को सीएचएसएल में ही सिर्फ नहीं रह जाना है, अभी काफी एज बाकी है तो क्यों ना और भी एग्जाम्स CGL हो गया, स्टेट पब्लिक कमीशन हो गया, UPSC तक ट्राई किया जाए। ट्राई लेने में क्या बुराई है, मोस्ट करने वालों की कभी हार नहीं होती। मोस्ट ऑफ मोस्ट जो एक्सपीरियंस होता है जो जैसे उनका जब नई जॉब लग जाता है, सेटल हो जाते हैं, चाहे CGL में हो या CHSL में हो या कोई भी जॉब हो, तो सब कहीं ना कहीं सपना मोस्ट ऑफ मोस्ट का होता है कि UPSC की तरफ जाएं, जो कि बहुत अच्छा भी है, जाना चाहिए सबको उधर ट्राई करना चाहिए। एक सेटल होने के बाद टेंशन फ्री हो जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर नहीं रहता है, एक अच्छी एक सोच भी है। तो हम ये चाहते हैं जो भी इसको देख रहे हैं वीडियो मोटिवेटेड रहे, और अगर आप भी कभी क्लियर करते हैं जॉब तो वहाँ पे जाके रुके नहीं, कभी भी रुकना नहीं चाहिए इंसान को, वहाँ से आगे उसको बढ़ते रहना चाहिए। तो यही है कि अगर आप किसी पोस्ट को सिक्योर कर लेते हैं और उसके बाद भी अगर आपकी एज बाकी है किसी भी एग्जाम देने के लिए, इस पोस्ट से ऊंची एग्जाम देने के लिए, तो मुझे लगता है कि सबको ट्राई करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। और इसीलिए 2018 भरने का ये भी एक कारण था कि अगर अच्छा जगह अच्छा रैंक हो जाता है और इन्वायरमेंट फिर से वही पढ़ने का मिलेगा तो मैं आगे के लिए और तैयारी कर सकूं, ऊंची पोस्ट पा सकूं। ओवरऑल काफी टाइम भी हो गया और काफी अच्छा रहा भी, मतलब लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा रहेगा, मेरा फर्स्ट टाइम मतलब फेस करना कोई भी, और आपका भी फर्स्ट टाइम कैमरा फेस है शायद, तो एक एजुकेशन भी था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। और लास्ट में आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप ये CHSL 2017-18 दो आप एग्जाम क्लियर किए हैं, और आपने कोई और एग्जाम क्लियर किया है इसके अलावा भी? एग्जाम तो काफी दिए हैं, मेरा बहुत मन था आर्मी एयरफोर्स ज्वाइन करने का, इसीलिए मैंने UPSC कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो एग्जाम होता है CDS वो दिया मैंने, और 5 बार उसका रिटर्न जो है वो क्वालिफाई किया है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा बदकिस्मत रहूंगा कि इंटरव्यू जो उसका होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB वो क्लियर नहीं कर पाया, और प्रयास जारी है उसमें भी इंटरव्यू क्लियर करने का। नेक्स्ट एग्जाम नवंबर 14 तारीख को है CDS का, वो भी देने का विचार है। तो CDS का जो सिलेबस है वो भी मिलता जुलता ही है SSC से और थोड़ा सा UPSC GK से, तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं जरूर, अगर कोई आर्म फोर्सेस एयरफोर्स आर्मी नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो। आशा करते हैं कि आपको अगला बार जो है CDS का इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए अच्छा से, अच्छा मार्क्स से, क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, जहाँ तक हमें पता है कि CDS का इंटरव्यू काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और हम एक बार मतलब उसका प्रीवियस ईयर हम सेट सिर्फ अटेम्प्ट किए थे, उसी तरह से काफ़ी डिफिकल्ट भी सेट होता है, और आप क्लियर कर चुके हैं 5 बार तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें आप मतलब आपका वीडियो लास्ट हो गया है, आपने बहुत अच्छा से जो भी सजेस्ट किया हम कोशिश करते हैं कि आशा करते हैं कि जो भी एक्सपीरियंट्स हैं वो इसको फॉलो करें और इससे कुछ सीखें, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं वीडियो देख के ही सीखे, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो लंबा लंबा रैंक वाला है ना मतलब मैं उसका लाऊं वीडियो, क्योंकि काफ़ी लोग रैंक 1 से लेकर 20 तक ले आते हैं, जो टॉपर्स का स्ट्रेटजी होता है वो कहीं भी मतलब फॉलो नहीं कर पाते, एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं फॉलो कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेटजी में और जो नॉर्मल स्टूडेंट का स्ट्रेटजी है वो मैच नहीं करता है, और शायद मुझे लगता है कि छूट जाता है, हो सकता है ये एक मतलब मिथ हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं छूट जाता है जो टॉपर्स जो हाईएस्ट 1 रैंक वाले होते हैं, कि मोस्टली अभी देखिए 1 रैंक वाला जो है वो क्या कह रहे हैं BTech वाले होते हैं IIT कर किए हुए हैं यहाँ वहाँ, तो वो उनका एक शुरू से जो फोकस है एग्जाम का प्रति पढ़ने का वो मतलब दिख जाता है,
और उसका जो स्ट्रेटेजी है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट फॉलो करने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट्रेट भी हो जाता है। देखिए मुझे इस पर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि एग्जाम्स प्रिपरेशन अगर हम करें तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ है एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपके पास अपना स्पेस होना चाहिए जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप वहाँ पढ़ सके कम से कम एक डेढ़ घंटे दिन में जितना भी हो सके। और CGL MTS एग्जाम के लिए आपको IAS के जैसे 8-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीनियरली अगर आप 2-3 घंटे पढ़ते हैं दिन भर में, लेकिन रेगुलर करते हैं, एक भी दिन नहीं छोड़ते जब तक एग्जाम ना हो, तो मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, मुझे लगता है कि आसानी से ये एग्जाम क्रैक कर सकता है और अपना मन चाहे। मैंने टॉपर्स का वीडियो देखा है या फिर मैं जितने भी टॉपर्स से मतलब मैंने काफ़ी टॉपर्स से मैंने बात भी किया है इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे या फिर मतलब कॉल भी किया है, तो उन लोगों का जो वीडियो देखने के बाद जो मैंने कभी देखा वो एक ही चीज़ देखा है कि वो भले 2 घंटा ही क्यों ना पड़े दिन भर का, वो 8 घंटा ही क्यों ना पड़े, उनका जो रेगुलरिटी था वो कभी मैंने मिस नहीं किया। जैसे कौशिक राज हो गया या फिर काफ़ी वो ऐसे मतलब टॉपर्स हैं जिनका वीडियो मैंने देखा था और उनसे पर्सनली भी बात की, तो जो वो बताते थे वही कि एक रेगुलरिटी बना के रखो आप, ठीक है 2 घंटा ही पढ़ो दिन में, हो सकता है कि आज 8 घंटा पढ़े कल 2 ही पढ़ पाए, लेकिन पढ़ो जरूर, क्योंकि वो रेगुलरिटी मिस होगा तो आपका अगला दिन फिर वो बोझ लगेगा और आप शायद फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, शायद स्टूडेंट्स को नोट करना चाहिए ये चीज़। ये बात भी है कि अलग अलग स्टूडेंट का जिस तरीके से माइंड काम करता है, तो उस विषय में भी ये हो सकता है कि आप अपने हिसाब से जब तक आपको खुद में सेटिस्फेक्शन ना लगे कि मैं इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में काफी कमांड ले चुका हूँ, तब तक आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। मुझे 2-3 घंटे शाम में जब भी समय मिलता था या दिन में जीके पढ़ने का समय मिलता था तो मैं समय निकालता था घर में और कॉलेज का भी पढ़ाई करता था, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर आपका 1 घंटे में ही आपको सेटिस्फेक्शन हो जा रहा है और मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो आप उससे भी कर सकते हैं, अगर आपको 3-4 घंटे लग रहे हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है कितने ड्यूरेशन में उसको कमांड होगा, कितने ड्यूरेशन में उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन ये बात तो जाहिर सी बात है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे सारे लोग सारे कैपेसिटी के एक साथ बैठेंगे और सबका मापदंड एक ही होगा कि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके सही करने एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है बहुत सर, तो थैंक यू फॉर गिविंग टाइम, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है क्योंकि जॉब वाला का तो टाइम इतना टाइम देना बहुत बड़ी बात है, तो अगेन आपको आज छुट्टी का दिन है, संडे है 10 अक्टूबर, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है और दोस्त से बात करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। हाँ वो ये और काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन जो वीडियो लास्ट तक देखे हुए या शुरू में जो उन्होंने अच्छा से देखा उनको पता होगा कि हम लोग फ्रेंडली हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक करें आप और आशा करते हैं जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक दिन एक ड्रीम पोस्ट मिले, क्योंकि मेहनत करते रहिए सबको मिल जाएगा ड्रीम पोस्ट और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा कम पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम मेरा भी बॉर्डर लाइन पे चल रहा है, हो सकता है 1-2 अटेम्प्ट में आगे निकले, तो ऐसा प्रेशर भी नहीं लेना है कि ये बॉर्डर लाइन में चल रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरा भी फिक्स नहीं है हम भी पीछे, जैसे कि आपका तो अच्छा रैंक था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने लाया वहाँ पे 10 मार्क्स रहे, फिर लाए एग्जाम क्लियर किए फिर क्लियर किए, तो ऐसे आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जब एक्सपीरियंस को बार बार नहीं निकल रहा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा उलझना नहीं है, पेशेंस रखना है कि ठीक है आगे मेरा होगा हो ही जाएगा, क्योंकि अभी मैं जब एग्जाम देने जा रहा था तो एक भैया से मिले थे, उसका भी आप लोग किसी चैनल पे वीडियो आएगा, उन्होंने भी एक एग्ज़ाम क्लियर किया बहुत अच्छा एग्ज़ाम क्लियर किया ग्रुप बी का, तो वो भी बताएं कि लगे रहो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो।